हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमन कुमार। बोर्ड पर ये देख के आप सबको पता चल ही गया हो कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स की एक नींव होती है, जिसे कहते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो नंबर सिस्टम हमारा एक प्रकार से बेसिक कंसेप्ट है हमारे मैथमेटिक्स का। तो नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। ये सारे नंबर्स आज हम बिल्कुल ही इजी वे में और बिल्कुल ही कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे कि ये क्यों होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्यों डिवाइड किए जाते हैं हमारे नंबर सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के नाम में ही नेचुरल है, मींस ये नंबर्स जो हमें बिल्कुल नेचुरली हमें मतलब कि मैथमेटिक्स में मिलते हैं, मतलब कि जिसका हम यूज़ नेचुरली करते हैं। जैसे कि हम किसी भी जो हमारा बच्चा होता है, बच्चे से अगर हम कोई भी काउंटिंग वगैरह पूछते हैं कि बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो क्या करता है, कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट करता है। तो मतलब कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने में। तो ये ज़्यादातर हमारे जो काउंटिंग में मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स जो हम यूज़ करते हैं काउंटिंग करने में, और ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 एंड मैनी मोर। तो नेचुरल नंबर हमारे पहली बात तो ये कि यह हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 1। पहली बात तो नेचुरल नंबर्स के बारे में ये कि ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात, नेचुरल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव, मतलब कि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स ही इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं इंक्लूड करते। इसका तीसरा पॉइंट, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कभी भी अंत ना होने वाला। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनका कहीं भी अंत नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर्स का एक बेसिक कंसेप्ट, जिसके बारे में मतलब कि इससे आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और मतलब कि क्या इनकी जो बेसिक वो जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के नेम में ये जो पर्टिकुलर वर्ड है होल, इसका मतलब क्या होता है, इसका अनुवाद हिंदी में हम क्या करते हैं कि सब कुछ, सब कुछ। होल नंबर्स मतलब कि सारे नंबर्स, सारे नंबर्स। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इसमें हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है, तो ये मेनली होल नंबर्स की पहली बात ये है कि ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि होल नंबर्स की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड मैनी मोर। तो जीरो हमारा इंक्लूड किसके अंदर होता है, होल नंबर्स के अंदर। तो पहली बात तो इसकी ये कि ये स्टार्ट होते हैं जीरो से, जीरो, एंड इट आल्सो इट इंक्लूड्स जीरो। होल नंबर्स किसको इंक्लूड करते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं। तो मतलब कि कहने का मेरा अर्थ ये है कि होल नंबर्स
पहली बात तो ये कि हम इसका हिंदी में नवाब, मतलब कि इसको पढ़ते ही हम जान जाते हैं सारे नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स यानी जिसमें जीरो भी हमारा इंक्लूड होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे जो मेनली 1 मार्क्स का आता है, मतलब कि कह सकते हैं जो हमारा जनरल क्वेश्चन में आता है। जनरल क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो इसका आंसर है 0। सबसे छोटा होल नंबर हमारा हमेशा 0 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही 0 से हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, वो सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर्स, यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स हैं, लेकिन हमारे होल नंबर्स वो सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे वो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो हमारे होल नंबर्स हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? 0 की वजह से, क्योंकि हमारा होल नंबर्स हैं वो 0 इंक्लूड करते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। तो इसका अगर हम देखें तो वेन डायग्राम कह सकते हैं, कि वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कैसे बन सकता है नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। ये इसका वेन डायग्राम है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड किसके अंदर होते हैं, होल नंबर्स के अंदर, लेकिन हमारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि ये 0 इंक्लूड करता है, जो कि हमारे नेचुरल नंबर में नहीं होता 0। ठीक है बच्चों, तो यहां तक थी हमारी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की बात है, जो कि मतलब कि इनके हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पहली बात तो ये कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दूसरी बात ये कि होल नंबर्स 0 को इंक्लूड करती है, जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं करती, और तीसरी बात ये कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स 0 को इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर 0 को इंक्लूड नहीं करता। तो इन होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की बात आते हैं हमारे इंटीजर्स। काफी बच्चों को इंटीजर्स में प्रॉब्लम रहती ही रहती है कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखो, इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव भी होते हैं वो, और वो होते हैं पॉजिटिव भी। इंटीजर्स को हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे नेगेटिव भी होते हैं और वो पॉजिटिव भी होते हैं। और मेनली ज्यादातर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रे ये रहती है कि इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है कि नहीं। तो यस, 0 इज इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि 0 इंक्लूड होएगा हमारे इंटीजर्स में। तो मेनली बात हमारे इसके 3 पॉइंट निकल के आते हैं। पहली बात तो ये इंटीजर्स के, इट इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसका पहला मेन पॉइंट ये है किसी भी इंटीजर को पहचानने का, कि एक तो वो पॉजिटिव होएगा और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि 0 इंक्लूड
होता है इसमें। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जीरो इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। और तीसरी बात, ये हमारे ग्राफ की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है बच्चों, तो हमारे इसके पॉइंट क्या बन गया है? पहला पॉइंट तो ये कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कि ये जीरो इंक्लूड करता है, जो कि ज्यादातर बच्चों का हमेशा कंफ्यूजन रहती ही रहती है कि सर ये जीरो इंक्लूड होता है कि नहीं इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। तो यस, जीरो इंक्लूड होता है हमारे इंटीजर्स के अंदर। और तीसरा पॉइंट ये कि ग्राफ के दोनों साइड बनता है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स में आते ही आते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हम वो जानते हैं। रैशनल नंबर्स, अब ये जो रैशनल नंबर्स है ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, कि इंपॉर्टेंट है हमारे नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा। इसमें बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स इंक्लूड होते हैं अलग अलग वैरायटी के। जैसे कि पहली तो ये कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म पी बाई क्यू, जहां पे इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। इसका पहला पॉइंट तो ये है रैशनल नंबर्स का कि फ्रैक्शन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये टर्मिनेटिंग होते हैं पॉइंट, मतलब कि ये नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है सर? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब कि वो नंबर कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहना, वो एक जगह आके खत्म हो जाना। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1.5। तो इसके अंदर ये जो नंबर है हमारा 1.5 पे आके रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ा, तो ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, और इट इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या था कि ये हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट है, पी बाई क्यू की हम इसको ले सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसके अंदर इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होएगा। ठीक है, दूसरा ये टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब भी खत्म होना होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होएंगे, कहते हैं ना ज्यादातर इनको के, मतलब कि ज्यादातर टीचर्स या जितने भी बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो रिपीटेड नहीं होते, मतलब कि, लेकिन टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है खत्म हो जाना, वो चीज ही खत्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं मतलब कि खत्म हो जाना, वो रिपीट में ना आना, और एक डेसिमल के बाद या एक हद के बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे इसमें 1.5। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स के कुछ पॉइंट हो रहे हैं, अभी हम उनको भी करते हैं। माना जाए तो ये रैशनल नंबर का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों के लिए। इसका एक बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि सर जीरो जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं, रैशनल नंबर है कि नहीं। तो बच्चों इस बात का सॉल्यूशन ये है कि जीरो जो है हमारा वो रैशनल नंबर है, जीरो हमारा रैशनल नंबर है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर जीरो रैशनल नंबर क्यों है। पहली बात तो बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन होती है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन ये होती है कि सर पहली बात तो ये कि ये जीरो है, जीरो से ज्यादातर बच्चों को डर ही लगता है, पता नहीं क्यों लगता है डर, यही नहीं पता। जीरो से ज्यादातर बच्चों को डर लगता है कि सर ये जीरो रैशनल नंबर क्यों है।
ये जीरो होल नंबर्स में क्यों आता है? तो बच्चों जीरो हमारा रैशनल नंबर है। और सर कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है नहीं, तो ये रैशनल नंबर क्यों है? तो बच्चों जो नंबर हमें गिवन होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, 0, 1, 2, 3, 4, तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 4 दिया गया हमें, अगर 4 को मैं 4/1 लिख दूं तो वो रहेगा 4 का 4 ही, क्योंकि 1 से डिवाइड होने के बाद वो 4 ही नंबर आएगा। तो वैसे ही 0 के नीचे हम 1 लगा देते हैं। तो पहली बात तो ये हम प्रूव कर सकते हैं इसको, कैसे, कि हमारा जो 0 है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। कैसे? 0 के हमें गिवन होता है जिसके नीचे हम 1 लगा के 1 लगा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो 0 का 0 ही रहेगा। पहली बात तो ये कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारा आ गया। दूसरा कि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि क्यू वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों? और दूसरा फ्रैक्शन की फॉर्म में, पहली बात तो ये, दूसरा क्या है इसका, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों? टर्मिनेटिंग है। अब 0 है, 1 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा आंसर? 0। खत्म हो गया आंसर इसका, टर्मिनेट हो गया, इसका आंसर ही टर्मिनेट हो गया। और हमने तो पहले ही पढ़ चुके थे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो नंबर जो खत्म हो जाते हैं एक हद के बाद। ठीक है बच्चों? तो इन 3 पॉइंट से हम प्रूव कर देते हैं कि हमारा जो 0 है वो रैशनल नंबर है। पहले तो ये कि 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होएगा वो 0 के इक्वल नहीं होएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? तीसरा पॉइंट ये है कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो खत्म हो जाता है। तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है ये कि 0 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद हम करते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में काफी बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को, लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से पहले हम रैशनल नंबर के कुछ और पॉइंट्स जानते हैं, जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती ही रहती है। जैसे कि सर हमें दे रखा है, सर 5 दे रखा है, ये बताओ सर रैशनल नंबर है कि नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो सर ये दे रखा है, -4/3 दे रखा है सर हमें तो, सर -2/1 दे रखा है सर हमें तो, ये रैशनल नंबर है कि नहीं। पहली बात तो ये बच्चों कि जो रैशनल नंबर होते हैं, एक पॉइंट और, रैशनल नंबर होते हैं हमारे, जो रैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं वो तो, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। दूसरी बात, अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसे मिलता है -1/4 या फिर -4, क्या कहते हैं, 4/2, यानी कुछ भी माइनस में हमें मिलता है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि -4/1 मिल गया, -4/2, तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि रैशनल नंबर है, कैसे पहचान करें। क्या पहली बात तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारी 2 कंडीशनें हो चुकी हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब कि 2 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर देते हैं कि हमारे रैशनल नंबर है। अब जैसे कई बच्चों को कहते हैं सर हमें 6 गिवन है केवल, तो क्या ये भी रैशनल नंबर है? 6/1 लगा सकते हैं हम इसके नीचे, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारे जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं, ज़्यादातर वो हमारे सारे रैशनल नंबर्स हैं। और जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग इसमें बहुत, मतलब कि कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कि जिसका डिवाइड करके हमारा वो नंबर खत्म हो जाता है, टर्मिनेटिंग होता है उसका, मतलब कि टर्मिनेटिंग होएगा हमारा रैशनल नंबर। कैसे? अब जैसे मेरे को गिवन है -4/2 है, ठीक है बच्चों, -4/2 मुझे गिवन है, इसकी डिवाइड अगर मैं करता हूं तो मेरा क्या आता है आंसर? -2 आ रहा है मेरा आंसर। एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं बचता, 0 आ जाता है, ठीक है।
नहीं, रिमाइंडर नहीं बचता, डेसिमल हो सकता है लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, डेसिमल इसमें एक पहचान हो रहा है कि अगर हमारा डेसिमल होने के बाद नंबर हमारा ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था 3/2 के 1.5 आया था, इसके अंदर हमारा क्या था, नंबर ख़त्म हो गया था जिसकी वजह से ये टर्मिनेट हो चुका था नंबर, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। पहली बात तो रैशनल नंबर बच्चों देखो, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन होता है तो हम उसमें अगर डिनोमिनेटर में वन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और दूसरा इसका मेन पॉइंट, ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि सर जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो जीरो बच्चों रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब ये सारा हमारे समझ में आ गया, रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं जिसमें हमारा जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है बच्चों, अब कई बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन जीरो से ही रहती है, ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत ही जीरो से है। सर ये जीरो, सर इसको हटा क्यों नहीं देते? बेटा जीरो तो कहते हैं ना, जीरो ही तो हम भारतीयों ने मनाया था, बिना जीरो के कहाँ गुजारा है मैथ में, तो इसलिए जीरो हमारा सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, खासकर मैथ में तो सबसे ज़्यादा। बस ये एक ही, मार्क्स हमारे जीरो नहीं आने चाहिए। चल, कभी जीरो के बच्चे फैन बन जाएं और मार्क्स में भी जीरो ही लेके आएं, कि सर ने तो कहा था कि जीरो बहुत अच्छा नंबर है, हम भारतीयों ने मनाया था तो जीरो ही लेके आएंगे, ये जरूरी नहीं है, जीरो से ऊपर भी बढ़ना चाहिए। तो अब हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। सर इसका तो नाम ही बहुत खतरनाक है, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। कई बच्चे तो नाम, मतलब कि पढ़ते हैं नाम को और डर जाते हैं कि सर ये तो इरेशनल नंबर, पता नहीं कहाँ से कौन सा पहाड़ इसमें आए जैसे खुद जाएगा। ये भी धीरे धीरे हम समझते हैं इरेशनल नंबर क्या है। पहला बात तो ये कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं कि जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनका अंत नहीं होता कुछ भी डिवाइड करने के बाद, मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे √2 हो गया, रूट के जितने भी नंबर्स हैं, √3 हो गया, √5 हो गया। अब रूट के मैंने कहा है कि जितने भी नंबर्स, ये नहीं कि तुम √4 को तुम बता दो कि हमारा ये इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर नहीं है ये, √4 हमारा इरेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है क्योंकि खत्म हो जाता है। √4 का रूट क्या होता है, 2 होता है स्क्वायर रूट। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि स्क्वायर रूट होता क्या है, तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अब जैसे हम मान ले हमें 2 नंबर दिया गया है, हमें हम मानकर चलते हैं कि हमें 2 नंबर है, कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर गिवन दिया। अब गिवन है हमारे पास 2 नंबर, 2 नंबर हमारे पास गिवन है, तो इसमें हमारा स्क्वेयर रूट हम क्या निकालते हैं, √2, √2, इसको हम मतलब बांट देते हैं, कहते हैं ना इसको 2 को बांटो, तो हम मल्टीप्लीकेशन में इसको ऐसे बांट सकते हैं, √2 × √2, और √2 का स्क्वेयर हमारा आएगा 2। अब कह सकते हैं ज़्यादातर ओड इवन नंबर पता है बच्चों आपको, ओड और इवन, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होते, और ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि वो 2 से भी डिवाइड नहीं होते, नॉट डिवाइडेड बाय 2, मतलब कह सकते हैं हम कि ओड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6 एंड मैनी मोर, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो वैसे ही जो नंबर्स हमारे खुद के ही टेबल से डिवाइड होते हैं, उन्हीं के रूट को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कैसे, √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, √13 एंड मैनी मोर। और साथ में इसमें एक फेमस नंबर हमारा आता है जो मैथ के जगत में सबसे ज़्यादा माना जाता है, नंबर भी कह सकते हैं उसको, लेकिन उसको ज़्यादातर बच्चे समझ ही नहीं पाएगा भी वो होता क्या है, वो है पाई।
पाई भी हमारा क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका अंत नहीं है। पहली बात तो ये कि इसका अंत नहीं है, और दूसरा ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग 1.314 एंड मैनी मोर, मतलब ये चलता ही रहता है आगे से आगे, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसलिए रैशनल नंबर है ये। जो पाई है, पाई एक ऐसा नंबर है जिसने एक अलग पहचान बनाई है मैथ के जगत में कह सकते हैं, और ये एक इरेशनल नंबर है। तो आज ये राज खुल ही गया कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ये है। चलो ये तो होगी मजाक से हट के बात, अब करते हैं शुरू। अब इरेशनल नंबर की पहचान और भी हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ओड और इवन नंबर, तो बेट आप सबको पता ही है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो टू के टेबल में नहीं आते, इवन नंबर होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं। इसके साथ हम और नंबर्स करते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर। ये नंबर्स मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इरेशनल नंबर में बहुत ज़्यादा मेन इफेक्ट देते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 11, 13, जो मतलब कि अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल या तो अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स के रूट को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि √1, √3, √5, √7, √11, √13 और √2। प्राइम नंबर्स के रूट को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं एक हद तक, एक हद तक भी कह सकते हैं, लेकिन है ही ज़्यादातर इरेशनल नंबर हमारे। एक पहली बात तो है कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर्स भी पता चल गया, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो टू के टेबल में नहीं आते। इवन नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, रूट की प्रेजेंट फॉर्म में होएगा, लेकिन स्क्वेयर रूट ऑफ प्राइम ओनली, स्क्वेयर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर हमारा तो √4 भी हमारा इरेशनल नंबर है, कैसे इरेशनल नंबर है। अब √4 तो हमारा आराम से खुल जाता है ना, 2 × 2, 2 बन जाता है वो हमारा। 2 क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग। जब उसका आंसर निकल चुका है फाइनल, तो हमारा वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो √4 या फिर हमारे जितने भी इवन नंबर्स के रूट हैं वो हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है बच्चों। ये इसका तीसरा पॉइंट है कि जितने भी हमारे स्क्वेयर रूट है इवन नंबर्स के, वो हमारे इरेशनल नहीं होते। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, स्क्वेयर रूट ऑफ इवन नंबर्स आर नॉट इर रैशनल, ठीक है बच्चों। ये एक बेसिक पॉइंट है इनके, जिससे हम आराम से जान सकते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरा क्या, ये केवल स्क्वायर रूट किसके नंबर्स के होते हैं, प्राइम नंबर्स के। तीसरा क्या कि इवन नंबर्स के स्क्वायर को हम, स्क्वायर रूट को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो अब जितने भी नंबर्स हमने कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल, वो सारे हमारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो ऐसा कंसेप्ट है कि इससे आप समझो। पहले तो हमारा जो वो है, नंबर्स हैं, नंबर्स किस में डिवाइड है, हमारे नंबर्स हमारे दो भागों में डिवाइड है, रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में, ठीक है बच्चों। ये नंबर्स हैं हमारे, रैशनल नंबर में डिवाइड है और इरेशनल नंबर में डिवाइड है, इसके दो भाग हैं।
अगर हम एक बैग लेते हैं, एक बैग लिया हमने, ठीक है बच्चों, उसके अंदर मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जोड़ दिए तो उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बनता। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि हम नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों, ठीक है। नंबर लाइन में हमारा मेन मतलब कि मिडल पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। जीरो का उस साइड हमारे पॉजिटिव होते हैं, और जीरो के इस साइड हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव। रियल नंबर्स को हमारा एक डेफिनेशन इसकी ये भी कही जाती है कि वो नंबर्स होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके बीच में जो ये स्पेस है, ये खाली है ना, ये जो है ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन फिर भी इसके बीच में स्पेस खाली है, तो इसके बीच में तो भी तो नंबर हो गई। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं इसके बीच में, इनफाइनाइट कहते हैं नंबर्स होते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है बच्चों। ये स्पेस खाली है, लेकिन अगर हम इस स्पेस को भर दें तो ये सारा हमारा कहलाया क्या जाएगा, रियल नंबर। इस स्पेस को भरने का मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो नंबर्स हैं रैशनल और इरेशनल में डिवाइड है। रैशनल मैंने बता दिया आपको क्या होता है, इरेशनल आपको बता दिए, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड है। जब हम इन दोनों को एक पोटली में बंद कर देते हैं तो बिल्कुल भी हमारा क्या होता है, स्पेस बचेगा नहीं नंबर लाइन के अंदर। ये बिल्कुल ही हमारी जो थैली है जिसको मतलब बैग कहते हैं, वो बैग बिल्कुल ही फिल हो जाता है, इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता। तो ये जो बैग है हमारा, इस बैग के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है बच्चों। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जो चाहे रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि सारे नंबर्स। ठीक है बच्चों, रियल नंबर्स। इसका पहला पॉइंट तो ये कि ये इट इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, इसको ज़्यादातर डेफिनेशन इसकी क्या मानी गई है, बुक्स में भी अगर हम देखते हैं, क्लास 9 से हमारा नंबर सिस्टम शुरू होता है जिसको हम कहते हैं बेसिक। क्लास 9 में भी हमें जो रियल नंबर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त, उसकी क्या डेफिनेशन है कि दोज नंबर्स, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, कि वो नंबर्स जो हमारी नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा कंसेप्ट बेसिक किसका, नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम के भी हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब पहला पॉइंट नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स, जो हम कर चुके हैं अभी, ठीक है बच्चों। नंबर सिस्टम का एक वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, जिसकी हेल्प से आप लोग नंबर सिस्टम को आसानी से समझ लोगे, केवल उस डायग्राम से, ठीक है बच्चों। वेन डायग्राम, होल नंबर
इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स। तो बच्चों इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो क्या है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स में। और जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स में। और जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर हमारा अलग है, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इरेशनल नंबर हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो अकेला चलता है, कह सकते हैं कि इसका अकेला राज है। क्योंकि ये पहली बात तो ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होते कभी, जिनकी कैलकुलेशन कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये अलग से इनका, इन्होंने एक अपना ही एक कहते हैं ना साम्राज्य बनाना मैथ के, उसमें तो इन्होंने बना रखा है अकेला ही। कहते हैं ना एक बगावत करता है, बगावत हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। और एक जो बिल्कुल ही साऊ है, जिसने अपना राज्य फैला रखा है चारों तरफ, तो वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर, जिसने इतने सारे राज्यों में अपना राज फैला रखा है। और इन सब का राजकुमार, इन सब का राजा कौन है, रियल नंबर्स। ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब ये बात मेरी मजाकिया लग रही होगी, लेकिन समझने वाला समझ गए होंगे, जो बच्चे इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं वो अभी तक समझ गए होंगे कि हमारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, और वो हमारे क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो केवल प्राइम नंबर्स के रूट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में, इन सब का बेसिक हम इन वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको नंबर सिस्टम आगे और पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबा जाना, ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि ताकि मैं आगे से आगे वीडियो बनाऊं। चलो ठीक है, चलते हैं।